हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है पैनासोनिक का एक मोबाइल जिसका चार्जिंग पिन का पता में आता है। इसका चार्जिंग पिन काम नहीं करता है और हम आपको दिखाएंगे कि बिना पता चेंज किए हम इसका चार्जिंग पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम इसका जो नया वाला पिन को स्क्रैच कर लेंगे, पुराना वाला निकल गया क्योंकि हमने उसको पहले से ही निकल के रखा है, और नया वाले को थोड़ा इधर में स्क्रैच करना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से ये पड़ा रहने के बाद क्या होता है, इसमें अच्छे से आप सोल्डिंग के टाइम अच्छे से वो फिट नहीं बैठता, तो इसको थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट लगा के और सोल्डर लगा लेंगे। उसके बाद हम ये जो मिडिल में इसमें भी थोड़ा सोल्डिंग कर लेंगे क्योंकि इसका जो मेन हिस्सा है ये मिडिल का ही है। अगर आपको लगता है कि मिडिल का कुछ काम नहीं है, मिडिल में लगाना नहीं, ज़रूरत नहीं, तो आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है ना, हम अगर जो चार्जर यूज़ करते करते अगर ऊपर नीचे हो जाए चार्जर यूज़ करने के टाइम, तो ये मिडिल से जॉइंट से वो छूट जाता है, ठीक है, पूरा सर ये कट हो जाता है। मिडिल का जो पोर्शन है, ये जो जॉइंट पोर्शन है, आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ, ये जो मिडिल का जो जॉइंट है ना, इधर में अगर आप सोल्डिंग नहीं करोगे तो ये मिडिल का ये जो पोर्शन है ये दोनों अलग हो जाएगा और आपका जो चार्जिंग है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये मिडिल में लगाना ज़रूरी है, पेस्ट लगा के सोल्डिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका जो बैठने का टाइम वो अच्छे से बैठ भी जाएगा और आपका बाद में भी वो कस्टमर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने लगा लिया, और इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका यूज़ करेंगे हम, हॉट गन का यूज़ नहीं करने का है। आप सिंपल सा जो शोल्डर को ऊपर ऐसे रख दो, और रखने के बाद इसको ऐसे पकड़ो, और पकड़ने के बाद आप इसको क्या करना है, इसका सिंपल सा ऊपर से बिठा देना है, इसको पूरा ऊपर से ऐसे करके बिठा दो। बिठा देने के बाद आपका जो पिन है वो पूरा फिट आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लो पहले, गर्म करने के बाद ऊपर से ऐसे करके सिंपल सा पूरा इसको बैठा दो, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करो ताकि अच्छे से वो बैठ जाए, और बैठने के बाद आप इसको उठा लो, ऊपर में उठा लेना है। तो ये जो हमारा काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, और देखो अच्छे से वो फिट बैठ गया। और इस पे अगर आप हॉट गन का इस्तेमाल करते हो तो आप हॉट गन का इस्तेमाल करके इसको इतना अच्छे से नहीं बिठा पाओगे, ठीक है, या फिर आप दूसरे कुछ तरीके अपनाओगे तो ये इतना अच्छे से फिट नहीं बैठेगा। तो इससे इसका बिठाने का सबसे आसान तरीका ऐसा ही है, आप ऐसा करके बिठाओगे तो ये बहुत ही आसानी से फिट बैठेगा, और हम एक्स्ट्रा जो जहाँ पर प्रॉब्लम होने का चांसेस लगता है हम उसको थोड़ा सा हीट डाल के ऊपर से प्रेस करेंगे और हमारा जो काम है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, और हमारा जो काम 100% बन जाएगा। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से वो फिट बैठ जाए, और जो पूरा पिन है पांचों पिन अपने अपने जगह में फिट बैठ जाए। तो ये हमारा जो पिन है वो लग चुका है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ लग चुका है, वो कभी ना निकलने वाला पिन की तरह लग चुका है। और हम इसको आपको फिटिंग करके दिखा देते हैं कि हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो हमने वो पत्ते को लगा लिया, पत्ते को लगाने के बाद हम इस पे चार्जर इनपुट करेंगे, तो करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि देख रहे हो हमने चार्जर लगा लिया, और चार्जर लगाने के बाद हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था थोड़ा सा इधर में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारा जो चार्जर है वो ओके सही तरीके से काम कर रहा है और चार्जिंग भी हो रहा है। अब हम इसको निकाल के फिट कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर ऐसा मोबाइल रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको पसंद हो तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसा ही मोबाइल रिलेटेड ऑल वीडियोस आप तक पहुंच जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपका बेल आइकन दबाने से
मेरा वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।